बॉलीवुड एक्टर्स कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म तेजस को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्मों के अलावा एक्ट्रेस अपने विवाहक अंदाज के लिए भी जानी जाती है। वे सोशल मीडिया पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर खुलकर बात करती है। बीते दिनों एक्ट्रेस ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया था, साथ ही नए संसद भवन का भी दौरा किया था। काफी दिनों से अटकलें लग रही थी कि क्या वे राजनीति में कदम रख सकती हैं। हालांकि अब हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में कंगना ने राजनीति में कदम रखने के सवालों पर चुप्पी तोड़ी है। ऐसे तो एक्ट्रेस ने इशारों में कई बार की हिंट दिया है, लेकिन अब उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि अगर अब कोई अच्छा ऑफर आया तो वह मना नहीं करेंगी। इसके अलावा कंगना ने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की है। कंगना ने कहा कि मैं जितनी ईमानदारी से बोलती हूँ राजनीति में उतनी ईमानदारी नहीं चलती है। किसी ने मुझे बहुत अच्छा बोला है कि फिल्म इंडस्ट्री में सामने से सब एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन पीठ पीछे सब एक दूसरे की बुराई करते हैं, सब एक दूसरे के लिए दुश्मन है, लेकिन पॉलिटिक्स में इसका उल्टा है। सामने सब दुश्मन है और पीठ पीछे सब दोस्त हैं। इसके बाद कंगना ने कहा कि साउथ इंडस्ट्री से तो फिर भी काफी लोग राजनीति में आए और सफल भी हुए, लेकिन नॉर्थ में किसी भी फिल्मी कलाकार को इतनी सफलता नहीं मिली। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर मुझे कोई अच्छा ऑफर मिलता है तो मैं निश्चित रूप से उसे स्वीकार करूंगी। वहीं कंगना रनौत की फिल्म तेजस की बात करें तो यह फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। यह एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें कंगना एयरफोर्स ऑफिसर तेजस गिल का किरदार निभा रही है। कंगना के अलावा इस फिल्म में अंशुल चौहान, वरुण मित्रा और आशीष विद्यार्थी जैसे सितारे भी नजर आएंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।